हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसी बुक और एक ऐसे किताब के बारे में बताना चाहूँगा जो किताब आपके बॉडी के बारे में आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगी। ये किताब आपके पूरे थॉट प्रोसेस को बदल कर रख देगी जो आपके बॉडी के बारे में है। एक्चुअली इस किताब का नाम है डॉक्टर क्यूट्रस एवरीथिंग नोबडी टेल्स यू अबाउट योर बॉडी। इस किताब को लिखा है डॉक्टर तनिया नरेंद्र ने, जो इंटरनेशनली मेडिकली ट्रेंड एम्बेरियोलॉजिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं, और जिन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई भी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कोई भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो बेसिकली बुक से ही होती है, वो किताबों से ही होती है। क्योंकि मैं किताबों का शौकीन हूँ, इसलिए मैं अक्सर ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो बेसिकली ये बुक कोई सेक्स मैनुअल नहीं है, ये बुक आपके एक गाइड की तरह है जो आपके हर बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको रूबरू करवाती है, और उन पार्ट्स के बारे में जिनके बारे में हमें बात करना ऑकवर्ड लगता है, जिनके बारे में बात करने से हम शर्माते हैं, बेसिकली हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। लेकिन इन प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी डॉक्टर तनिया नरेंद्र ने हमें इतने अच्छी तरीके से समझाया है और हमें इतनी अच्छी तरीके से अवेयर किया है, हमारी सोच को एक बेहतरीन तरीके से बिल्ड किया है, ताकि हम अपनी बॉडी से प्यार कर सकें, ताकि हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह समझ सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी एक गज़ब की यूनिक मशीन है, और हमारे जेनिटल्स ना सिर्फ हमारे रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, बल्कि वे हमारे यूरिनरी सिस्टम और सेक्सुअल प्लेजर से भी लिंक्ड हैं। और इस बुक में बेसिकली उन्हीं के बारे में एक ओपन कॉन्वर्सेशन किया गया है, जिससे आप हमारे जेनिटल्स को समझ सकते हैं, जिससे आप हमारे एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं कि नेचर ने हमें कितने ब्यूटीफुली तरीके से इस धरती पर लाया है, और हमारी एग्जिस्टेंस कैसे अब तक बरकरार है। और ये बुक हमारे उस सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल कॉन्वर्सेशंस के बारे में, जिसे हम लोग अक्सर अवॉइड करते हैं समाज में शर्म की वजह से या फिर सोशल स्टिग्मा की वजह से, ये हमारे उस कॉन्वर्सेशंस के बारे में या सेक्सुअल हेल्थ के बारे में एक डोर ओपन करती है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ और हमारे जेनिटल्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इस बुक में डॉक्टर तनिया ने बेसिकली हर एक टॉपिक को कवर किया है, साइंस ऑफ आवर बॉडी, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम्स, वजाइना, वल्वा, पेनिस, टेस्टिस, और सेक्सुअल प्लेजर्स की वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं, बर्थ कंट्रोल, अबोर्शंस, बेसिकली हर एक चीज़ को कवर किया गया, जिससे आप आसानी से और इजी और फन वे में जान सकते हैं। इस बुक में ये भी बताया गया है कि कैसे पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, रिलीजन्स ने हमारे बॉडी के इस पार्ट के बारे में क्या क्या धारणाएँ हैं, इस बात को भी इसमें कवर किया गया है। इसमें आपको एक अच्छा खासा हिस्ट्री जानने को मिलेगा कि हिस्ट्री में एक्चुअली क्या होता था जब हमें कुछ ऐसी बीमारियां होती थी सेक्सुअल रिलेटेड, या फिर पीरियड से रिलेटेड, या फिर जो भी ऐसी कुछ बातें हैं, ये बातें हमें इस बुक में एक इजी और फन वे में सीखने को मिलती हैं। तो सवाल ये आता है कि हमें इस बुक को पढ़ना क्यों चाहिए। बेसिकली ये बुक एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इंगेजिंग और काफ़ी फन वे में लिखा गया है, और इस बुक में बेसिकली हम लोगों को एम्पावर किया जाता है कि कैसे हम लोग अपने सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या क्या क्योर कर सकते हैं। और इस बुक का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारी बॉडी कैसी भी है, वो ऊपर वाले की देन है, हमें उस पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए, और हमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए कि मेरी बॉडी को ऊपर वाले ने ऐसा क्यों बनाया है। इस बुक का मेन मोटो यही है कि आप जैसे भी हो, परफेक्ट हो। तो मैं आप लोगों को ज़रूर ये बुक रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप लोग ये बुक ज़रूर पढ़ें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा लगा वीडियो कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। दिस इज़ फरहान शमीमी। Thank you so much.